नेम इजॉरेस्ट चैप्टर का नाम क्या है किसका जंगल दैट इज अम्स ओके सो हम यहाँ पे फॉरेस्ट बात कर रहे हैं बट कहाँ की बात कर रहे हैं सो so, एक डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ल्ड की हम बात करने वाले हैं जिसमें आप बहुत सारी चीजें एक नई तरह की चीज़ें आप लर्न करोगे नई तरह की चीजों को आप समझोगे जानोगे आई नो दैट कि आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा अभी बट इस चैप्टर के थ्रू आपको काफी सारी नॉलेज जो है वो गेन करोगे एंड वेरी न्यू न्यू थिंग्स यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर ओके हम इस पार्ट में क्या कवर करने वाले हैं इस पार्ट में हम कवर करेंगे आपके चैप्टर का छोटा सा एक टॉपिक डॉटर्स डॉटर्स ऑफ़ ऑफ़ द द फॉरेस्ट 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 ओके मतलब वो कैसे को ट्रीट करते हैं ऑन द ट्री एंड हाउ आर देयर डिफरेंट लैंग्वेज सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पार्ट ओके दार्ट इज दैप्टर नेम इजरेस्ट ओके एंड द चैप्टर नंबर इज 20. Okay. So we will start with the part 1 of the chapter. That is daughter of the jungle. Daughter of the jungle. page We are starting from the page number 182. We are starting from the page number 182. Okay. So look at the picture. Where do you think the Chiri's children are off to? With a little bundles on their sticks, when you find

अब वो जा रहे? जब हमें हमें पता चलेगा, हमें भी कि हम उनके साथ जाएं। चिल्ड्रन आर गोइंग टू द फॉरेस्ट देयर दे जंप रन क्लाइं ट्रीज एंड सिंग सॉन्ग इन देयर लैंग्वेज कॉल कुड़ुक सो वो कहाँ जा रहे हैं दे आर गोइंग टू पे? दे आर गोइंग टू अ

daughters yani betiyan so all the girls are going to the jungle that is why the topic name is daughters of the jungle okay so they collect all the flowers and the leaves okay to make the necklace to make the necklace they enjoy the wild fruits they look for a birds who calls who calls they imitate, then वट दे डू दे इन्जॉय द फ्रूट ऑल्सो देर वहाँ के फ्र भी खा के वो लोग इंजॉय करते हैं एंड दे लुक फॉर द बर्ड्स वो बर्ड्स को ढूंढते हैं एंड जैसी उनकी साउंड उनको सुनाई देती है दे ऑल्सो कॉपी देट साउंड ओके लाइक उनको पीजन दिखा तो पीजन का साउंड वो कॉपी करते हैं कोयल दिखी कोयल का साउंड वो लोग कॉपी करते हैं लाइक दिस दे इन्जॉय जॉयंग दैम इन ऑल दिस फन इज देअर फेवरेट दीदी सूर्यमणि सो so, वो ये स्पन को किसके साथ जाते हैं फॉरेस्ट में वो अपनी दीदी के साथ जाते हैं जो उनकी फेवरेट दीदी हैं जिनका नाम है सूर्यमणि ओके देन नेक्स्ट इन द चैप्टर इज एवरी संडे सूर्यमणि टेक्स द चिल्ड्रन टू द फॉरेस्ट एंड आज देम मूव्ड अराउंड

एंड चिल्ड्रन एंजॉय दिस स्पेशल क्लास इन फॉरेस्ट ओके अगर कभी सोचो आपकी भी क्लास लाइव फॉरेस्ट में लग जाए एंड एवरी थिंग जो मैं पढ़ा रही हूँ आई कैन टीच यू देयर बाय शोइंग यू की दिस इज अ टाइगर दिस इज अ बर्ड कॉल पैरेट दिस इज अ पीजन दिस इज द मैंगो ट्री दिस इज अम ट्री अगर मैं आपको वहां जाके दिखाऊंगी तो यू यू विल लव योर टीचिंग यू विल लव योर स्टडी मोर राइट right? हमको फॉरेस्ट जाने को पढ़ने को मिले तो हमें कितना अच्छा लगेगा सो so क्या बोलती थी फॉरेस्ट के बारे में लर्न करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आप अपनी बुक्स को लर्न करते हो उतना ही इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट के बारे में चीजों को लर्न करना We are the forest people, Adi Farsi.

के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए व्हाई बिकॉज़ अगर फॉरेस्ट नहीं होते तो हम भी नहीं होते वी लिव इन फॉरेस्ट या तो नियर टू फॉरेस्ट अगर फॉरेस्ट नहीं होते तो हम भी नहीं होते सो फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉरेस्ट क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए ये किसने बोला सूर्यमणि दीदी ने बोला और कौन से ग्रुप ऑफ पीपल थे वो लोग वो लोग थे आदिवासी जिन्हें कहते हैं फॉरेस्ट पीपल क्यों क्योंकि या तो फॉरेस्ट में रहते हैं या तो नियर टू फॉरेस्ट में रहते हैं ओके देन देन नाउ

क्या किसी में कोई एरिया पे बहुत सारे ट्रीज हमने लाइन से ग्रो कर दिए तो क्या वो फॉरेस्ट हो गया If some way, some place, कहीं पे सो so no. फॉरेस्ट okay. so वो होता है दिस वुड नॉट बिकम फॉरेस्ट बिकॉज अ फॉरेस्ट इज मोर देन अ थिक ग्रीन कवर फॉरेस्ट एक ट्रीज कवर करता हुआ एरिया नहीं है फॉरेस्ट में और भी बहुत सारी डिफरेंट थिंग होती

ट्रीज के अलावा फॉरेस्ट में क्या होता है सो अपार्ट फ्रॉम ट्रीज देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स इंसेक्ट्स बर्ड इन अ फॉरेस्ट सो ट्रीज तो होते ही है हमारे फॉरेस्ट में बट और क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट बर्ड्स एंड डिफरेंट इंसेक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे इन द फॉरस्ट ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स यू कैन सी इन द फॉरेस्ट नॉट ओनली ऑन द ट्रीज सिर्फ ट्रीज नहीं देखते हम डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट बर्ड्स भी देखते हैं फॉरेस्ट में राइट ओके देक्स्ट क्वेश्चन इज डू ऑल फॉरेस्ट हैनी ट्रीज कैन यू आइडेंटिफाई क्या सारे ही फॉरेस्ट में सिमिलर टाइप्स ऑफ ट्रीज होते हैं एक जैसे ट्रीज होते हैं या फिर अलग अलग सो डिफरेंट फॉरेस्ट है अलग अलग टाइप ऑफ ट्रीज होती हैं राइट आई कैन आइडेंटिफाई सम ट्रीज हम कुछ ट्रीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं like लाइक पीपल ट्री बनियान ट्री नीम ट्री इन ट्रीज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पीपल नीम बनियान मैंगो ट्री ऑल्सो यू कैन आइडेंटिफाई कोकोनट ट्री ऑल्सो यू कैन आइडेंटिफाई राइट सो ये ट्रीज हम पहचान सकते हैं और डिफरेंट ट्रीज होते हैं डिफरेंट फॉरेस्ट में ओके ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूर्यमणि सेज इफ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर वी टू विल नॉट रिमेन सो दीदी ने क्या बोला था कि अगर फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो हम भी नहीं होते ऐसा उनने क्यों बोला था बिकॉज फॉरेस्ट आर एजेंशियल फॉरेस्ट हम सबके लिए फॉरेस्ट कैसे हैं बहुत एजेंशियल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं दे हेल्प इन द बैलेंस इन द एनवामेंट अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे ना तो हम सब मर जाएंगे एक दिन वाई बिकॉज जो एन्वायरमेंट में इतना पॉल्यूशन होता है समटाइम्स एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन ये सब चीज़ें इक्वली बैलेंस कब रहती हैं जब फॉरेस्ट होते हैं वो उन्हें बैलेंस करते हैं पॉल्यूशन होता है तो ट्रीज ज़्यादा ग्रो करो तो पॉल्यूशन कम हो सकता है तो चीज़ें क्या होती हैं बैलेंस हो जाती हैं अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो पॉल्यूशन इंक्रीज होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा इंक्रीज होता, होता जाएगा और हम सब लोग बीमार पड़ते जाएंगे राइट right? और प्रॉब्लम जो है इंक्रीज होती जाएगी सो so, दैट आई एम ओनली टॉकिंग कि फॉरेस्ट जो है बहुत एसेंशियल है क्योंकि वो बैलेंस रखते हैं इन द एनवायरमेंट ग्रीन प्लांट्स अब्जर्व हार्मफुल गैसेस एंड रिलीज ऑक्सीजन जितने भी ग्रीन प्लांट्स रहते हैं वो क्या करते हैं हार्मफुल गैसेस को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने अंदर खींच लेते हैं और अच्छा ऑक्सीजन हमको देते हैं क्या करते हैं गंदी गैसेस को हार्मफुल गैसेस को अपने अंदर खींच लेते हैं और हमारा एनवायरमेंट को क्लीन करके उसमें ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट प्रोवाइड वर्ड्स हर्बस एंड मेनी रॉ मटेरियल फॉर फॉरस्ट हमें वुड भी जो मिलती है इतनी सारी चीजें हम वुड से बनाते हैं वो सब हमें कहाँ से मिलती है फ्रॉम द फॉरेस्ट ड for और जो ट्राइबल्स हैं ट्राइबल्स आदिवासी कहते है, that is tribals, वो भी होते हैं किस पे वो डिपेंडेंट होते हैं अपने फॉरेस्ट पे हैं सूर्यमनी इज राइट इन हर स्टेटमेंट यानी कि सूर्यमनी राइट है फॉरेस्ट अगर नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे ओके तो फॉरेस्ट आर वेरी एजेंशियल फॉर अस नेक्स्ट सो दिस इज इट अभी हमारा जो चैप्टर है वो खत्म तो नहीं हुआ है बिल्कुल भी हमने एक छोटा सा टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया दैट इज डॉटर्स ऑफ द जंगल उससे हमने क्या किया जो जंगल की इंपॉर्टेंस होती है जितनी भी सारी वो हमने डिस्कस करी कि कितने सारे एनिमल्स होते हैं बर्ड्स होती हैं इंसेक्ट्स होते हैं एंड लॉस ऑफ ट्रीज आर देयर इन दी जंगल ओके और कैसे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है सो so, हमने छोटा सा एक पार्ट डिस्कस किया ऑफ द चैप्टर रिमेनिंग चैप्टर का पार्ट हम डिस्कस करेंगे इन दी नेक्स्ट पार्ट सो टिल देन वॉच Non-magnet brains because magnet brains provide free education. Thank you.